वेल गाइस, तो फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच ओवर हो चुका है गाइस। आज यहां पर AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन रेसन उनके करियर का बिगेस्ट ड्रीम मैच रसल करते गए, जहां पर आज ब्रायन रेसन के होम टाउन के ऊपर ब्रायन रेसन NJPW के वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार जैक सेबरे जूनियर को ड्रीम मैच में फेस करते गए। और क्योंकि ब्रायन और जैक सेबरे जूनियर दोनों को बेस्ट टेक्निकल रेसलर, तो इसीलिए आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर काफी सारे टेक्निकल मूव देखने को मिले। जहां पर सबसे पहले तो इन दोनों के इस मैच के लिए जॉन मॉक्सली कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए, और पूरे मैच के दौरान मॉक्सली की तरफ से काफी फनी कमेंट्री होती गई। बट गाइस, बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो मैच के ओपनिंग के ऊपर ये दोनों सबसे पहले मैट रेसलिंग करते गए, जिसके बाद कि जैक सेबरे जूनियर आज यहां पर मॉक्सली के ऊपर हमें यहां पर ट्विक करते हुए दिखाई देते गए, और इसके बाद जैक सेबरे जूनियर ब्रायन के ऊपर कोबरा ट्विस्ट यूज करते गए, जिसके बाद कि ब्रायन सिरप को रोल अप कर देते गए। बट गाइस, यहां पर जैक सेबरे जूनियर बैक टू बैक आर्म बार लगाते गए, जिसके बदले में ब्रायन रेसन की तरफ से हमें यहां पर इंडियन डेथ लॉक देखने को मिलता है। और गाइस, एक बाय एक करके ये दोनों रेसलर एक दूसरे के ऊपर आज यहां पर मल्टीपल सबमिशन मूव यूज करते गए। जहां पर इस मैच के अंदर ये दोनों एंटोनियो इनोकी के सबमिशन को भी यूज करते गए। बट गाइस, बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइस करीबन 15 मिनट के बैक एंड फोर्थ सॉलिड सबमिशन मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रायन रेसन फाइनली जैक सेबरे जूनियर के ऊपर मल्टीपल यहां पर स्ट्राइक लगाते हुए दिखाई देते गए। और इसके बाद ब्रायन रेसन के बुसाइकल नी के साथ ब्रायन रेसन AEW के रसल ड्रीम के ऊपर जैक सेबरे जूनियर को नीट एंड क्लियर दे गए, और AEW के रसल ड्रीम के ऊपर ब्रायन ने NJPW के एक और टॉप स्टार को बीट कर दिया है।